नमस्कार, मैं सोनी ओझा, आप देख रहे हैं NN24 न्यूज। चलिए रुक करते हैं झारखंड की खबरों की ओर। सवाल उठता है कि CISF कैंप आंखों के सामने 3 नंबर खदान से अवैध तरीके से कोयला निकासी कर भट्ठा में कोयला लिया जाता है। जैसे ही ग्रामीणों को इसकी सूचना मिली कि भट्ठा से ट्रक पर अवैध कोयला लदा हुआ ट्रक निकल रहा है, ग्रामीणों ने ट्रक को पकड़ लिया और निरसा पुलिस के हवाले कर दिया। इधर निरसा पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। निरसा पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी दिलीप यादव ने कहा कि किसी भी कीमत पर अवैध कारोबार को निरसा में चलने नहीं दिया जाएगा। चोरी चुपके भट्ठा मालिक द्वारा किए जा रहे कामों को पुलिस सख्ती से निपटेगी और मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई करेगी। इधर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि CISF के द्वारा महज खानापूर्ति के लिए जंगलों में दिखाने के लिए 200 से 300 बोरी कोयला को छापेमारी दिखाते हैं। CISF भली भांति से कोयला का काला कारोबार को अंजाम दिया जा रहा था।